जी बजटिंग की बातें हम कर रहे थे, एक तगड़ा सा औखा सा क्वेश्चन आज और कवर करेंगे, एक औखा सा क्वेश्चन आज और कवर करेंगे, उसके बाद हम बजटिंग को बीच में होल्ड करके अपने स्टैट वाले चैप्टर 10 पे मूव कर जाएंगे और बजटिंग के बाकी क्वेश्चन आगे साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक हो गया? सो एक क्वेश्चन है आपके पास, ऑटम 15 का क्वेश्चन, ऑटम 15 का क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। करना क्या आपको, पेज 72 पे होगा शायद, आपके जो नोट्स हैं बजटिंग के उसके पेज 71 पे होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पेज 71 पे। जी क्या करना है आपको, प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ QJ फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st दिसंबर 2015। कैश बजट आपको बनाना है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st दिसंबर 2015। क्वार्टर एंडिंग, ईयर एंडिंग नहीं, क्वार्टर एंडिंग मीन एक क्वार्टर का आपको कैश बजट बनाना है। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। एंडिंग 31st दिसंबर, इसका मतलब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 मंथ्स का जो क्वार्टर है इसका आपको कैश बजट बनाना है। और हमने ऑलरेडी ये काम ऐसा किया हुआ है, क्या कहला, 4 मंथ का हमने कैश बजट बनाया था, फिर हमने कोई 4 क्वार्टर्स का भी कैश बजट बनाया था। आज सिर्फ 1 क्वार्टर का कैश बजट बनाना है। मंथ वाइज कैश बजट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और मंथ वाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉलम फिगर्स का बनाना है। देखा ला, एक ही कॉलम फिगर्स का बनाना है, मीन रिसीट्स होंगी पूरे क्वार्टर की, देखा ला 3 मंथ्स की इकट्ठी, पेमेंट्स होंगी, नेट कैश फ्लोज आएंगे, ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कितना आसान सा काम, क्या ख्याल है? लेकिन अभी आपकी आंखें खोल के रख देगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या, आइए देखते हैं क्या हुआ जी, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जी, QJ Q-Jewels डील्स इन लिमिटेड ऑर्नामेंट्स एंड ऑपरेट्स इट्स बिजनेस ऑनलाइन थ्रू अ वेब पोर्टल, ऑर्डर्स आर रिसीव्ड थ्रू द वेबसाइट एंड डिस्पैच थ्रू अ कुरियर। तो वेबसाइट के थ्रू कंपनी ऑर्डर रिसीव करती है और कुरियर के थ्रू डिस्पैच करती है, मीन कंपनी डिलीवरी किसके थ्रू करती है, कुरियर के थ्रू करती है, मीन TCS के थ्रू करती है, DHL के थ्रू करती है, क्या कहला है, अपनी डिलीवरी वैन शेयर नहीं है, और वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर रिसीव होते हैं, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर रिसीव होते हैं। दिस मीन पेमेंट ऑर्डर के टाइम पे भी आती होगी, कुछ अगर कैश ऑन डिलीवरी हैं तो वो बाद में आती होगी, क्या कहला है, दिस मीन कोई एडवांस भी आप पेमेंट रिसीव करते होगे, एडवांस भी रिसीव करते होगे, क्या कहला है, सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, जब गुड डिस्पैच होती है, गुड डिस्पैच होती हैं, दिस मीन आपने शायद कुछ पैसे सितंबर में भी लिए होंगे अक्टूबर की सेल के, क्या कहला, कुछ पैसे दिसंबर में भी लिए होंगे जनवरी की सेल के, आपका जो क्वार्टर उसमें मंथ कौन कौन से हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या कहला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और वेबसाइट पे ऑर्डरिंग होती है तो सेल कब रिकॉर्ड होनी है, जब आपने पैसे लिए, जब ऑर्डर रिसीव किया, या जब गुड्स डिस्पैच होती हैं, जब गुड डिस्पैच होती हैं, क्या कहला, दिस मीन गुड्स अगर डिस्पैच हो रही हैं कहाँ पे, अक्टूबर में, तो उसकी सेल अक्टूबर में रिकॉर्डेड है, उसकी सेल अक्टूबर में रिकॉर्डेड है, अक्टूबर में आपने अगर सेल रिकॉर्ड की, मीन डिस्पैच हुई अक्टूबर में, तो दिस मीन उसका ऑर्डर आपको रिसीव हुआ होगा कहाँ पे, सितंबर में, सितंबर में, क्या कहला, पैसे सितंबर में भी आए होंगे, जनवरी में गुड डिस्पैच की, सेल रिकॉर्ड की कहाँ पे, जनवरी में, तो उसके पैसे आपने दिसंबर में भी रिसीव किए होंगे, होगा ऐसा, चलिए आगे देखते हैं।
द मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल टू कस्टमर आर एज फॉलोज. कैश ऑन डिलीवरी विच इज कलेक्टेड बाय द कोरियर 60% एंड एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स 40%. द मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल टू कस्टमर्स आर एज फॉलोज. कैश ऑन डिलीवरी एंड एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट कार्ड्स मीन सेल के पैसे दो तरह से आते हैं. 60% जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है और 40% एडवांस थ्रू क्रेडिट कार्ड मिलता है. सेल के पैसे दो तरह से आते हैं. 60% कैसे होते हैं? कैश ऑन डिलीवरी थ्रू कोरियर और 40% एडवांस पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड. पता नहीं इसका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन हाथ चलाने से थोड़ा दिमाग खुल जाता है, चलना शुरू हो जाता है. इसलिए क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ पढ़ो तो उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो कि पता क्या चला यहाँ से. ठीक हो गया? यहाँ से दिमाग थोड़ा सा ओपन हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है कि हाँ डायरेक्शन थोड़ी मिलना शुरू हो जाती हो क्या रहा है. ओके जी, आगे चलते हैं. कैश कलेक्टेड बाय कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर 7 days. कैश कलेक्टेड बाय कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर 7 days. इसका क्या मतलब हुआ? कैश कलेक्टेड बाय कोरियर सेटल्ड आफ्टर 7 days मीन्स 7 दिन में हमें जो है वो कैश रिसीव होता है. इसकी बात हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी बात हो रही है. तो इधर जो है वो कैश जो रिसीव होता है वो होता है आफ्टर 7 days. इसमें 7 दिन का क्रेडिट रहता है. इसका मतलब क्या हुआ? 7 दिन का क्रेडिट रहता है. ठीक हो गया? 7 दिन का क्रेडिट रहता है. इसका क्या मतलब होगा सर? अगर 31 दिसंबर को पैसे मिले थे क्या 60%, तो वो हमें 7 जनवरी को मिलेंगे. वो 7 जनवरी को मिलेंगे. दिसंबर के कुछ पैसे जनवरी में मिलेंगे, सितंबर के कुछ पैसे अक्टूबर में भी मिलेंगे, सितंबर के कुछ पैसे अक्टूबर में भी मिलेंगे. मीन सितंबर की सेल के कुछ पैसे अक्टूबर में मिलेंगे और हमारी दिसंबर की कुछ सेल के पैसे जनवरी में मिलेंगे. और हम बजट बना रहे हैं अक्टूबर टू दिसंबर, तो वो पैसा जो दिसंबर की सेल का जनवरी में मिलना है वो तो हमें अपने बजट में रसीट में नहीं लिखना, और वो पैसा जो सितंबर का अक्टूबर में मिला होगा वो हमें रसीट में लिखना है. हाँ, आगे चलते सर. आगे क्या हुआ? द कोरियर कंपनीज चार्जेस आर ₹300 पर ऑर्डर आर डिडक्टेड ऑन अ मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन द सब्सिक्वेंट मंथ. कोरियर कंपनी के चार्जेस कितने हैं? सो इधर जो कोरियर चार्जेस हैं वो हैं कितने? 300 पर ऑर्डर. कब पे करते हैं? उसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में या पिछले मंथ में? नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं. पेमेंट इन सब्सिक्वेंट मंथ मीन नेक्स्ट मंथ. सो पेमेंट इन नेक्स्ट मंथ, दिस मीन हमारा ये जो बजट हम बनाने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसमें हमने जो कोरियर की पेमेंट करनी है वो कौन से मंथ की करनी होगी? अक्टूबर नवंबर दिसंबर की करनी होगी. पेमेंट में, पेमेंट में कैश बजट हम बनाने जा रहे हैं. रिसीट जो कैश जहाँ जहाँ से जो आया और पेमेंट जो हमने करनी है, तो हमने जो पेमेंट करनी होगी इस क्वार्टर के अंदर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की करनी होगी या सितंबर अक्टूबर नवंबर की करनी होगी? सितंबर अक्टूबर नवंबर के जो ऑर्डर्स हैं उनकी करना होगी.
क्या कह रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के ऑर्डर्स की करना होगी, क्यों? सितंबर की पेमेंट अक्टूबर में होगी, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, तो हमारा जो बजट हम बनाने जा रहे हैं क्वार्टर एंडिंग दिस, उसमें हमें कौन से ऑर्डर की पेमेंट लेनी है, कौन सी कोरियर की पेमेंट लेनी है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 डेज। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट मिलती है हमें, वो भी 7 दिन में हमारे पास पहुंचती है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो हमें पेमेंट मिलती है, वो भी कितने दिन लेती है हमारे पास पहुंचने में? 7 डेज। इन 7 दिन का क्रेडिट पीरियड है क्रेडिट कार्ड में भी। क्या कहला है, इधर भी हमें पेमेंट 7 डेज में मिलती है, बैंक के पास ऑर्डर के टाइम पे आ जाती है, लेकिन हमारे पास 7 दिन बाद पहुंचती है। जो कैश कलेक्ट होता है, कोरियर वाले जो कलेक्ट करते हैं, वो भी हमारे पास 7 दिन बाद मिलता है। मीन 1 जनवरी को अगर कैश कलेक्ट हुआ है, तो हमारे पास पेमेंट आएगी 8 जनवरी को। उस तरह से 1 जनवरी को अगर ऑर्डर मेड हुआ है, तुम्हारे पास बैंक के थ्रू भी पेमेंट आएगी कब? 8 जनवरी। क्या कहला, खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाई वैल्यू आइटम्स, हाँ हाँ, हाई वैल्यू आइटम्स, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना, ओके। हाई वैल्यू आइटम्स विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ द सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। हाई वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड ये होती है 40%, इसका 25%, इसका 25% क्या है? हाई वैल्यू आइटम्स। सो हाई वैल्यू आइटम्स विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। वो डिस्पैच होते हैं किस चीज की? पेमेंट के 15 दिन बाद, पेमेंट के 15 दिन बाद। मीन कस्टमर जब पे करता है हमें, क्या कहला है, कस्टमर जब हमें पे करता है, तो उसके 15 दिन बाद जो है वो ऑर्डर डिस्पैच होता है। हाँ, हमें उसकी पेमेंट मिलती है 7 दिन बाद, मतलब ये हुआ। क्या ख्याल है, कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट की क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्या ख्याल है, वो पेमेंट हमारे पास तब नहीं आई, वो आती 7 दिन बाद। और जब पेमेंट हमारी वेबसाइट पे आ गई, रिकॉर्ड में आ गई, हमारे पास कैश नहीं आया, कैश 7 दिन बाद आना है। क्या ख्याल है, तो ऑर्डर हम डिस्पैच करते हैं उसके 15 दिन बाद। दोबारा पढ़ें ज़रा, देखें क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ें क्या कह रहा है, कि हाई वैल्यू आइटम विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ऑल अदर डिस्पैचेस आर मेड इमीडिएटली एंड डिलीवर्ड ऑन द सेम डे। अदर्स होंगे कितने? 75%। तो 75% क्या है? अदर्स है। इनका क्या किया जाता है? डिलीवर्ड, डिलीवर्ड इमीडिएटली एंड ऑन द सेम डे। सेम डे भी अगर डिलीवर होते हैं, तो कौन डिलीवर करता है? कोरियर वाला। कोरियर वाला डिलीवर करके हमें जो है वो पेमेंट कब मिलती है? 7 दिन बाद। क्या कहला है, तो इसका भी हमें जो कैश रिसीव होता है, वो होता है आफ्टर 7 डेज। तो बैंक में क्रेडिट कार्ड 7 बैंक से भी हमें 7 दिन बाद मिलना है, कोरियर वाला भी हमें 7 दिन बाद ही पैसे लेके देता है। क्या कहला है, इसकी बात करें अगर हम, 25% जो हाई वैल्यू आइटम है, 25% हाई वैल्यू आइटम है, इसका हमें जो है वो एडवांस मिल जाता है। क्या कहला है, इसका हमें एडवांस मिल जाता है, और हम जो है वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, कब डिलीवर करते हैं? 15 दिन बाद। अब एक छोटी सी टाइमलाइन बनाने की कोशिश करूं मैं। ऑर्डर रिसीव आपको होता है,
और आप गुड्स डिस्पैच करते हो, ठीक हो गया। दिस मीन आपको 1 जनवरी को अगर ऑर्डर रिसीव हुआ तो गुड्स आपने कब डिस्पैच की? 15 जनवरी, 16 जनवरी, ठीक हो गया। कैश आपको मिलता है 7 दिन बाद, 7 डेज बाद, कब? 8 जनवरी को। क्या कह रहा है? इधर आपको क्या मिला? कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ कब? 7 दिन बाद। तो मेनली देखा जाए तो आपके पास एडवांस पैसा रहता कितने दिन है? 15 दिन, 7 दिन या 8 डेज? क्या ख्याल है? मीन कस्टमर जब पे करता है ऑर्डर के टाइम पे तो 15 दिन बाद आप गुड डिस्पैच करते हो। मीन 1 जनवरी को अगर उसने ऑर्डर किया है, पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इसकी बात कर रहा हूँ, तो 16 जनवरी को आपने डिस्पैच करना है, ठीक हो गया। पेमेंट आपको फौरन नहीं मिली, आपको कब मिली? 7 दिन के बाद, मीन 8 जनवरी को। क्या कह रहा है? तो आपके पास जो एडवांस पैसा आया वो कितने दिन आया? 8 दिन के लिए। आपके पास जो एडवांस पैसा आया वो कितने दिन के लिए आया? 8 दिन के लिए। क्या कह रहा है? ये बात समझ आती है? दिस मीन इस केस में जो आपका एडवांस है वो कितना है? 8 डेज का। मीन कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हमारी वेबसाइट पे दे दी, दिस मीन हमें वो मिलनी है। कहाँ से? बैंक से मिलनी है, क्यों? क्रेडिट कार्ड किसका है? बैंक का है ना। कस्टमर ने कैश तो नहीं ना हमारी वेबसाइट पर डाला, उसने कार्ड डाला, कार्ड के थ्रू पेमेंट हमने बैंक से लेनी है, ठीक हो गया। बैंक हमें देता है कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। क्या ख्याल है? इधर पेमेंट कस्टमर जो कर रहा है उसके 8 दिन तक हम डिलीवर करते हैं, मीन हमने जो सेल रिकॉर्ड करनी है, कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है? जब गुड डिस्पैच होंगी। क्या ख्याल है? तो हमारे पास जो इनकम एडवांस है वो कितने दिन की है? 8 दिन की। बस यहाँ से मैंने सिर्फ ये निकाला है कि हमारे पास इनकम एडवांस कितने दिन की है? 8 दिन की, क्योंकि सेल हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब गुड डिस्पैच होती है। तुम्हारे पास जो एडवांस आता है 15 दिन का आता है या 8 दिन हमारे पास रहता है? 8 दिन रहता है। ये बात समझ आती? सेल कब रिकॉर्ड होनी है? जब गुड डिस्पैच होंगी। सेल कब रिकॉर्ड होनी है? जब गुड्स डिस्पैच होंगी। क्या ख्याल है? तो उससे पहले अगर हमारे पास पैसा आ गया है तो क्या इनकम है या एडवांस इनकम है? एडवांस इनकम है। वो इनकम नहीं, क्या है? एडवांस इनकम। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं और क्या। सो अभी तक क्या हमने किया? हमारे पास क्या था जी? 2 तरह की उसने कहा जी कि सेल के मोड हैं, कैश के मोड हैं, एक कोरियर मी डिलीवरी के थ्रू है या फिर क्रेडिट कार्ड एडवांस 40% है। और उसने क्या कहा जी कि कैश जो है वो कोरियर वाला भी आपको 7 दिन बाद देता है और उसमें आपके कोरियर चार्जेस जो हैं वो 300 पर ऑर्डर होते हैं और पेमेंट आप करते हो कोरियर वाले को नेक्स्ट मंथ में, ठीक हो गया। पेमेंट आप कोरियर वाले के करते हो, उसकी जो सर्विसेज हैं मीन खर्चा आपका जो है वो आप नेक्स्ट मंथ में पे करते हो। और सवाल उसने कहा जी हाई वैल्यू आइटम जो कि 25% हैं क्रेडिट कार्ड सेल वालों की, उनकी आप डिस्पैच करते हो 15 दिन आफ्टर रिसीट ऑफ पेमेंट। मीन कस्टमर आपको जब पे कर देता है तो 15 दिन बाद जो है वो आप डिस्पैच करते हो, तो आपके पास जो एडवांस आया है वो 15 दिन पहले नहीं आया, आपके पास तो एक्चुअली 8 दिन पहले आया, क्यों? बैंक ने 7 दिन बाद आपको पैसे दिए, ठीक हो गया। तो आपकी पोजेशन में जो एडवांस आया वो 8 दिन पहले आया। ओके जी, उसके बाद क्या कहता है जी कि पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन 7 डेज और ये बात होगी, ऑल अदर डिस्पैचेज आर मेड इमीडिएटली एंड डिलीवर्ड ऑन द सेम डे, और बाकी जितने भी डिस्पैचेज हैं वो इमीडिएटली आप डिलीवर कर देते हो। दिस मीन इमीडिएटली आप डिलीवर कर देते हो तो आपको उनकी पेमेंट जो है वो 7 दिन में रिसीव होगी।
क्या करना, ऑर्डर मिलते ही आपने क्या किया, इमीडिएटली डिलीवर कर दी, मीन हाई वैल्यू आइटम को छोड़ के, बाकी जो आपकी वेबसाइट के थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट वाले आते हैं वो आप फौरी डिलीवर कर देते हो, फौरी डिलीवर कर देते हो, दिस मीन सेल आपने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसके पैसे आपको रिसीव होने हैं कब, आफ्टर 7 डेज, कहाँ से, बैंक से। आगे चलते हैं, यहाँ तक बातें हजम हो रही हैं। हाँ, 75% जब ऑर्डर आया हमने डिलीवर कर दिया, मीन सेल उसी वक्त रिकॉर्ड होगी, लेकिन पेमेंट हमें कब मिलनी है, 7 दिन बाद। ठीक हो गया, इसकी पेमेंट भी हमें 7 दिन बाद मिलनी है, इसकी पेमेंट भी हमें 7 दिन बाद मिलनी है, इनकी पेमेंट हमें 8 दिन एडवांस में मिल जाती है, इसकी पेमेंट भी हमें 7 दिन बाद मिलनी है, इसकी पेमेंट भी हमें 7 दिन बाद मिलनी है, क्या कह रहा है, इनकी पेमेंट हमें एडवांस में मिल गई, मीन सेल रिकॉर्ड करने से पहले हमें पेमेंट रिसीव हो गई, ये फॉरन डिलीवर कर दिया कोरियर के थ्रू, कोरियर वाला हमें 7 दिन बाद पैसे देगा, ये जैसे ही वेबसाइट पे ऑर्डर मिला फौरी हमने उसी दिन डिलीवर कर दिया, सेल रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, लेकिन बैंक से पेमेंट हमें कब मिलनी है, 7 दिन बाद, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, हमारे अकाउंट में पैसे कब आएंगे, बैंक क्रेडिट कार्ड जिस बैंक का है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। दिस मीन पेमेंट दो तरह, रसीट दो तरह की हैं, एक वो रसीट हैं जो हमें 7 दिन बाद सेल के मिलनी है, और एक वो रसीट है जो हमें 8 दिन पहले एडवांस में मिल गई है, क्या ख्याल है, एक वो रसीट है जो हमें 7 दिन बाद मिलनी है, और एक वो रसीट है जो हमें 8 दिन एडवांस में मिल गई है, और हम बजट बना रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो हमने वो रसीट लेनी है जो इस 3 मंथ में हमें रिसीव हुई हैं, तो उसमें हमें जनवरी की भी कुछ रिसीव होंगी 8 दिन वाली, क्या ख्याल है, जनवरी की भी 8 दिन की रिसीव होंगी, क्या ख्याल है, और कुछ सितंबर की भी रिसीव होंगी, ठीक हो गया, कुछ सितंबर की भी रिसीव होंगी, हमने क्या लेनी है, रसीट्स एंड पेमेंट्स, सेल हमारे पास शायद दी होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, लेकिन हमने देखना है इसमें से रसीट जो हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिली है, चाहे कोई पिछली चाहे कोई अगली, वो हमने रसीट में लिखनी है। आए देखते हैं आगे क्या हो, आगे देखते हैं, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कुछ इंफॉर्मेशन उसने कहा जी और भी है आपके पास, क्या इंफॉर्मेशन है जी, सेल आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%, सेल आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%, सेल आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30% मार्जिन या मार्कअप, मार्कअप, मार्कअप कितना, 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, क्या कह रहा, दिस मीन अगर हमारे पास सेल हो और हमने कॉस्ट पे जाना हो, अगर हमारे पास सेल हो हमने कॉस्ट पे जाना हो, तो दिस मीन सेल कितनी होगी, 130%, क्या कह रहा है, कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100 करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कॉस्ट आएगी, ऐसा, क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा, ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सेल्स एंड सेल्स ऑर्डर्स आर प्रोजेक्टेड एज अंडर, सितंबर की सेल ये होगी, अक्टूबर की सेल ये होगी, नवंबर की सेल ये होगी, दिसंबर की सेल ये होगी, जनवरी की सेल ये होगी, 4.6 मिलियन, 5 मिलियन, 4.2 मिलियन, 5.8 मिलियन एंड 6 मिलियन, और सेल ऑर्डर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के इतने इतने होंगे, हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज्ड ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर, हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज्ड ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर, मतलब क्या हुआ,
जब ऑर्डर आएगा तभी हम इनको परचेज करते हैं, दिस मीन इनका क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। क्या ख्याल है? इनका क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, ट्रेडिंग बिजनेस, नो स्टॉक और इन्वेंट्री। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल ही होगा। क्या ख्याल है? तो इनका क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, दिस मीन जो परचेज किया वही सेल होगा। हाँ, दिस मीन जो परचेज किया वही सेल हो गया, दिस मीन कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू परचेज होगी। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू परचेज होगी। वैसे कॉस्ट ऑफ सेल किसके इक्वल होती है? कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजिंग किसके इक्वल होगा फिर? कॉस्ट ऑफ सेल एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हम कैश मेजर बनाने जा रहे हैं, हमें शायद परचेज की अमाउंट निकालना होगी ताकि पेमेंट हम देख सकें कितनी पेमेंट होनी है किसको, सप्लायर को। क्या ख्याल है? तो इस तरह उसने कहा कि कोई भी हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर रिसीव होता है उसी दिन ही हम सप्लायर को ऑर्डर करते हैं, दिस मीन कोई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं होगा, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल इसकी होगी वही क्या होगी? परचेज होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्टॉक लेवल ऑफ अदर गुड्स इज मेंटेन्ड एट 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन दूसरों के लिए हमारा क्या होता है, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल हम जो है वो स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं, दिस मीन इनके लिए क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा कितना? 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? आगे चले, दिस मीन इसका अगर हमने परचेज निकालना, मीन क्लोजिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग है तो ऑब्वियसली पिछला क्लोजिंग, ओपनिंग भी होगा। तो इधर अगर हमने परचेज निकालनी होगी तो परचेज हम कैसे निकालेंगे? परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल एड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। परचेज क्यों निकालनी है हमें सर? पेमेंट निकालनी है, कैश बजट हम बना रहे हैं। क्या ख्याल है? आगे चलते हैं। 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। तो पेमेंट में हमें पहले हर मंथ की परचेजेस देखना पड़ेंगी, फिर वो कहता है जी 40% तो पेमेंट उसी मंथ में होती है, 60% पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होती है। दिस मीन अक्टूबर की जितनी भी परचेजेस हैं वो तो इसी क्वार्टर में ही पे हो रही होंगी, 40 इधर 60 इधर। नवंबर की जितनी भी परचेजेस हैं वो भी इसी क्वार्टर में पे हो रही होंगी, 40 इधर 60 इधर। दिसंबर की जो परचेजेस हैं इसका 60% जनवरी में पे हो रहा होगा। क्या ख्याल है? और सितंबर की जो परचेजेस हैं उसका 60% इधर पे हो रहा होगा। तो अक्टूबर नवंबर की परचेजेस तो कंप्लीट हम लेंगे कैश पेमेंट में, नवंबर दिसंबर की जो परचेजेस हैं उसका 60% हम 40% करंट में लेंगे अपने क्वार्टर में कैश बजट में, 60% छोड़ देंगे। और सितंबर की परचेजेस भी हमें निकालना पड़ेंगी, उसका 60% कैश भी हमें यहाँ पे लेना है। क्या ख्याल है? परचेजेस, परचेजेस देखते हैं। परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2015 अमाउंटेड टू 3.2 मिलियन। लेकिन उसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, पिछले मंथ की उसने परचेजेस बता दी 3.2 मिलियन जिसका 60% कैश आपको मिलना है इस क्वार्टर में। क्या ख्याल है? तो दिसंबर की परचेजेस हमें चाहिए होंगी जिसका 60% हमें माइनस करना होगा। अक्टूबर नवंबर की परचेजेस का कैश अपने क्वार्टर में पेमेंट, सितंबर की उसने बता दी उसका 60% अपने क्वार्टर में पेमेंट,
तो दिसंबर की हमें परचेजेज निकालना होगी जिसका 60% निकाल के बाकी 40% अपनी क्वार्टर में पेमेंट। हाँ, ये बात समझ आती सर? बात समझ आती है? चले आगे। सो अभी तक हमें क्या पता चला है सर? कोई रिसीट की बातें पता चली हैं ऊपर, कुछ हमें 7 दिन बाद रिसीव होती हैं, कुछ हमें एडवांस में रिसीव होती हैं, और कुछ पेमेंट्स में हमें क्रेडिटर्स परचेजेस की पेमेंट की बात पता चली है। कैसे कैलकुलेट होनी अभी पता नहीं करते, आगे चलें। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट ₹50 मिलियन पर मंथ एंड इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹8 मिलियन एंड ₹2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो पेमेंट में हमने सेलिंग एडमिन लेने हैं क्या पूरे 50? नहीं, उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, अमोर्टाइजेशन भी माइनस करेंगे, तो बाकी जो आएगा उसका पर एनम नहीं, पर क्वार्टर। सो सेलिंग एंड एडमिन क्या ख्याल है, टोटल कितना है आपके पास? टोटल पेमेंट जो है वो 50 मिलियन है, क्या ख्याल है? उसमें से आप लेस करोगे कितना? 8 + 2 = 10 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 40। तो उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मिलियन पर क्वार्टर। एक फिगर उसने इजीली हमें दे दी पेमेंट की। सुनकर याशी करो क्या बात है, हाँ, एक फिगर उसने हमें इजी दे दी। कैश एंड बैंक बैलेंसेज एज एट 30 सितंबर 2015 अमाउंटेड टू 5.5 मिलियन। व्हाट इज दिस? ओपनिंग बैलेंस। क्या ख्याल है? परचेज सेल्स अकर्स इवनली थ्रू आउट द क्वार्टर। तो अगर कैश बजट को हम थोड़ा सा दिमाग में बनाने की कोशिश करें, खोलें अगर हम कैश बजट दिमाग में, रसीट पेमेंट्स, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, नेट कैश फ्लोस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्या ख्याल है? रिसीट में हमें रिसीट हो रही है, ये कुछ रिसीट हो रही है, पता नहीं क्या गिचमिची बची हुई है अभी तक। पेमेंट हमारी क्या है? सिर्फ 3 ही है, क्रेडिटर्स की है, सेलिंग एंड एडमिन की है, और कोरियर की पेमेंट, क्या ख्याल है? और कोरियर की पेमेंट है, क्या ख्याल है? रिसीट है ये कुछ हमारे पास, हाँ रिसीट है, कोई हाई वैल्यू आइटम्स की हैं, कुछ अदर्स की हैं। देखा जाए तो मेनली 2 तरह की हमारे पास सेल की आइटम बन गई, एक हाई वैल्यू और एक अदर्स, क्या ख्याल है? अदर्स की चाहे जैसी भी हैं, कोरियर के थ्रू हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हैं, पेमेंट हमें मिलती है 7 दिन बाद, और हाई वैल्यू हमें 8 दिन पहले एडवांस में मिल जाती है। ये बात समझ आती? और हमारे पास 3 तरह की पेमेंट है और सिंपल सा हमारा कैश बजट है। आ जाएं अब हम चलते हैं कुछ कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन में चलें, क्या ख्याल है? कैश बजट खोलने आएँ, कैश बजट खोलते हैं। कंपनी का नाम क्या है? क्वीन जेवर। बनाने जा रहे हैं हम क्या? कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक हो गया, इधर हम लिख लेते हैं रुपीज़ इन थाउजेंड्स ले लूँ, क्या ख्याल है? और हमारे पास क्या होंगी जी? रिसीट्स होंगी, और हमारे पास क्या होंगी जी? पेमेंट्स होंगी, और हमारे पास क्या होगा जी? नेट कैश फ्लो होगा, और हमारे पास क्या होगा जी? ऐड होगा ओपनिंग बैलेंस,
और हमारे पास क्या निकल आएगा जी, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दे दो कितना है, 5.5 मिलियन, 5500। क्या कहला है, पेमेंट्स में हमारे पास क्या होगी, क्रेडिटर्स की पेमेंट्स होगी, अभी तक जो हमें नज़र आया पेमेंट्स में हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन की पेमेंट होगी और हमारे पास कोरियर की पेमेंट होगी। और सेलिंग एडमिन की पेमेंट शायद हमने निकाल ली है, कितनी, 10 मिलियन, मीन 10,000। कि और कुछ नहीं तो ये दो को नंबर तुम्हें मिल गए ना, क्या कह रहा है। हाँ जी जी, अब हम महाज ऑन करते हैं, महाज ऑन करते हैं और पहले हम चलते हैं रसीट की तरफ। क्या कह रहा है, पहले रसीट की वर्किंग कर लें। चलो जी, यहाँ पे हम रसीट की वर्किंग करने जा रहे हैं। वर्किंग वन, अब रसीट में देखिएगा दो तरह की आपकी रसीट हैं। क्या कह रहा है, दो तरह की आपकी रसीट हैं, एक हाई वैल्यू वाली और बाकी अदर्स हैं जो आपको 7 डेज बाद पेमेंट मिलनी है। ठीक हो गया, हाई वैल्यू वाली और अदर्स। अब देखिएगा ज़रा क्या हुआ है जी, हाई वैल्यू आइटम्स कितने परसेंट हैं, हाई वैल्यू आइटम्स हैं कितनी, 40 का 25%। क्या कहला, सो हाई वैल्यू आइटम्स क्या हैं जी, 40% इंटू 25%, कितने परसेंट बन गया ये, 10%। क्या कहला, ये कितने परसेंट बन गया, 10%। तो बाकी 90% बनना चाहिए अदर्स। क्या कहला, अदर्स जो है वो कितने परसेंट बनेगा, देखिएगा ज़रा, 60% तो ये है, 60% ये है प्लस इस 40 का 75% इंटू 75%, ये देखिएगा टोटल मिला के कितना बनता है, 90%। मीन दो तरह की सेल है हमारी, दो तरह की सेल है, अदर्स 90% है टोटल सेल का और हाई वैल्यू आइटम्स कितनी है टोटल सेल का, 10%। ठीक हो गया। आ जाए जी, पहले कैलकुलेशन किसकी, अदर की करें, हाई वैल्यू आइटम्स की करने, पहले अदर्स की करें, हाई वैल्यू आइटम्स की करने, पहले अदर्स की कर लेते हैं। आए ज़रा, आप ज़रा देखिएगा आपकी टोटल सेल है कितनी, क्वेश्चन में देखिएगा ज़रा आपकी टोटल सेल है कितनी, टोटल सेल मुझे ज़रा बता दें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, 5,4200 प्लस 5800, इसका ले लें 90%, मुझे ज़रा एक फिगर बताइएगा कितनी, 13,500। ठीक होगी, 13,500। अब अदर में हमें 7 दिन बाद पेमेंट मिलती है, 7 दिन बाद पेमेंट मिलती है, दिस मीन इसमें से हमें दिसंबर के 7 दिन की पेमेंट निकालना होगी जो जनवरी में मिलनी है। ये सारी तो नहीं हमें मिलनी ना इसी क्वार्टर में, क्या ख्याल है, दिसंबर का जो सेल है उसका 7 दिन हमें निकालना होंगे जो हमें जनवरी में मिलने हैं और सितंबर की सेल के 7 दिन ऐड करना होंगे सेल के जो हमें इस क्वार्टर में मिली। जो हम रसीट ले रहे हैं, कैश रसीट, कैश कितना रिसीव हुआ, क्या कहला है, तो इस क्वार्टर की सेल इतनी है तो हमें इतना तो नहीं कैश रिसीव होना ना, क्या कहला है, दिसंबर की सेल जो है, दिसंबर की सेल जो है उसके जो आखिरी 7 दिन हैं वो हमें इस क्वार्टर में तो नहीं रिसीव हुआ, वो कब रिसीव होना है, जनवरी में, तो वो माइनस करना पड़ेगा। और जो सितंबर है उसके आखिरी 7 दिन की हमें रिसीट यहाँ पे हुई तो वो ऐड करना होगा। करें ज़रा ऐड लेस, मुझे फिगर बताएं, ऐड लेस करके प्लीज़ मुझे फिगर बता दें ज़रा, सितंबर के 7 दिन ऐड कर दें
और दिसंबर के 7 दिन लेस कर दें, ऐड सितंबर और लेस फॉर दिसंबर। सितंबर की सेल कितनी है ज़रा मुझे बताइएगा। 4600। कितनी? 4600। उसका पहले 90% कर लें, मीन 0.9 कर लें, 0.9 कर लें, 90% पूरा लिखूं, 0.9। कितने दिन? 7। सितंबर में दिन कितने होते हैं टोटल? 30। तो क्या करेंगे? इंटू 7/30 वैल्यू बताइएगा। 9666। सितंबर के आखिरी 7 दिन की सेल के पैसे हमें मिले कहाँ पे? अक्टूबर में। तो हम क्या ले रहे हैं? रसीट जो हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिली। तो सितंबर की सेल ये है और अदर कितनी होती है? 90%। क्यों? 10% तो हाई वैल्यू आइटम की है, क्या कहला है? तो हमने क्या किया, 7 दिन के जो है वो इधर ऐड कर लिया। तब जो दिसंबर में सेल हुई है, आखिरी 7 दिन के पैसे हमें जनवरी में मिलने हैं, आखिरी 7 दिन के पैसे हमें जनवरी में मिलने हैं, तो एक्सक्लूड कर दो। दिसंबर की सेल है कितनी? दिसंबर की सेल है कितनी? 5800। पहले उसका 0.9, 90% इंटू 7 बाय कितने मंथ्स होते हैं सर? 31 होते हैं, 1178। डबल 179। अब ज़रा मुझे टोटल बताइएगा कितनी है? 1420 2 207 दोबारा चेक कर लें। 13287 जी। ये तो आ गई अदर्स की। अब जरा कैलकुलेट करके देंगे मुझे हाई वैल्यू की। 10% जो है हाई वैल्यू, 10% कैलकुलेट करके दें प्लीज। जिसमें आपको एडवांस मिलता है, जनवरी वाला आपको इस क्वार्टर में एडवांस मिलेगा और अक्टूबर वाला आपको सितंबर में एडवांस मिलेगा, तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्या कहला है? करें ज़रा। कितने दिन का एडवांस? कितने दिन का एडवांस सर? 8 दिन का। तो 5000 प्लस 4200 प्लस 5800, मेरा नहीं कॉपी करना, अपना निकालना है। कितनी सेल अक्टूबर की? 5000 अक्टूबर की। 5000 इंटू 0.1 इंटू 8/31। यहाँ आपकी ज़रा मुझे टोटल अमाउंट बताइएगा कितनी है? 1500। यहाँ की ज़रा ऐड मुझे बताइएगा। 1229 माइनस, तो क्या फिगर बनी? 1526।
1526 1526। तो मेरे ख्याल से हमारे पास यही दो रसीट हैं, इनको उठा के ले जाएं रसीट में। एक हमारे पास हाई वैल्यू की है और वो कितनी है 1526, और दूसरी हमारे पास अदर्स है जो 7 डेज पे हमें मिलती है, वो कितनी है 13287। हमारे पास शायद यहाँ पे टोटल रिसीट आ जाएगी, वन फोर एट वन थ्री। अब दो पेमेंट निकालनी है और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्या ख्याल है, दो पेमेंट बस निकालनी है और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आए जी क्रेडिटर्स की पेमेंट में आए, क्रेडिटर्स की पेमेंट में आए। सो पेमेंट भी हमें इसी तरह से दो चीज़ों की सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगी। एक हाई वैल्यू आइटम की सिंपल परचेजेज ही, कॉस्ट ऑफ सेल ही क्या है, परचेज है, और दूसरी हमें अदर्स की निकालना पड़ेगी। क्या ख्याल है, तो पहले इसकी निकाल लें, पहले इसकी निकाल लें। क्या ख्याल है, कितने परसेंट है ये 10%, दूसरा कितने परसेंट है, दूसरा कितने परसेंट है 90%। ओके हाँ जी देखिएगा। सो वर्किंग टू क्रेडिटर्स हम निकालने जा रहे हैं, क्रेडिटर्स पेमेंट। सो हाई वैल्यू आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल निकाली जा सकती है उसकी, कितनी सेल कितनी हमारी टोटल, तीनों को ऐड करें तुम्हारी सेल कितनी थी 15,000। क्या ख्याल है, सो 15,000 हमारी सेल है और हमने जाना है कहाँ पे, कॉस्ट पे। कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, कॉस्ट पे इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 130 इनटू 100 करेंगे, तुम्हारे पास कॉस्ट आ गई कितनी 11538 और उसका 10%। क्यों, ये 10% है ना, 11554। क्या कहला, 11154 एक की आ गई हमारे पास। अब दूसरे की निकालनी हमने, कॉस्ट ऑफ सेल एड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या कहला, तो आगे हम अदर्स में देखिएगा जी। पहले उसकी कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, कितनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल उसकी, 15,000 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 90% से, 0.9 से, तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल इसकी आ जाएगी कितनी, 10385। इसमें ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक और लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के बारे में ज़रा देखिएगा क्या उसने कहा। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। क्या ख्याल है, तो ये क्वार्टर में नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, जनवरी, जनवरी, जनवरी की 25%, जनवरी की सेल का 25% हमारे पास क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या ख्याल है, जनवरी की सेल कितनी, 6,000 जी। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे लिखोगे सेल पे लिखोगे, कॉस्ट पे, दिस मीन पहले इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे, पहले इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे। क्या ख्याल है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 130 इंटू 100 करोगे, 4615। अब इसका 25% लोगे, 11153 यही होगा। क्या कहला, 11535454। क्या कहला, आगे चले, इसका 90% ही लेना था, क्लोजिंग है 90 ले रहे हैं, टोटल आ रहा है। सर है किस चीज़ से एडिड, अदर आइटम से एडिड आप ले रहे हो, आप अदर आइटम्स का ले रहे हो ना, तो इसका 90% भी अप्लाई करो,
इसको यूँ कर लो, इसको डिवाइड बाय 1.3 कर दो सीधा, ये करने की बजाय हम 1.3 भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 130 इंटू 100 करने की बजाय अगर हम डिवाइड बाय 1.3 कर दें फिर भी आंसर वही आएगा, क्या ख्याल है? तो इसी को ही आप क्या करो, पहले जो है वो 90% ले लो, फिर उसका आगे 25% ले लो। अब मुझे फिगर बताओ ज़रा, 1038। अब ओपनिंग, ओपनिंग कहाँ से आएगा सर? सर वो जो उसकी सैलरी, ओपनिंग जो पिछला क्लोजिंग था सितंबर का क्लोजिंग, सितंबर का क्लोजिंग किसका होगा? अक्टूबर की सेल का 25%, अक्टूबर की सेल का 25%। अक्टूबर की सेल कितनी आपके पास? 5000, क्या कहना है? सो 5000 डिवाइडेड बाय 1.3 कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया इंटू 0.9 और इंटू 25%, 865। इसको माइनस करो तो फिगर दो मुझे ज़रा जो इसमें ऐड करनी है। 10 10558। इन दोनों को ऐड करो तो फिगर दो मुझे 11712। ये दोनों हमने क्या किए, ऐड किए, तो ये फिगर हमारे पास आ गई। तो ये तो आ गई हमारे पास परचेजेस, क्या आ गई हमारे पास परचेजेस। अब हमने जाना है पेमेंट की तरफ। पेमेंट हम करते हैं सर कितने दिनों बाद? 40% उसी मंथ में, 60% नेक्स्ट मंथ में, 40% उसी मंथ में, 60% नेक्स्ट मंथ में। दिस मीन सितंबर की जो परचेजेस हैं उसका 60% इधर पेमेंट रिसीव होगी, क्या कहला है? 60% इधर पेमेंट रिसीव होगी, दिस मीन करेंगे, करेंगे मीन वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये क्या है? टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस क्या कहला है? तो दिसंबर की परचेजेस का 60% इसमें से माइनस करेंगे और सितंबर की परचेजेस का 60% इसमें ऐड करेंगे, तुम्हारे पास पेमेंट आ जाएगी। ये परचेजेस आ गई ना इस क्वार्टर की, लेकिन क्या इसकी पेमेंट सारी यहाँ पे होनी है? नहीं, 40% उसी मंथ में होता है, उसी क्वार्टर में नहीं, उसी मंथ में होता है, 60% नेक्स्ट मंथ में। तो अक्टूबर वाला तो सारा इन दोनों में फिल हो जाएगा पेमेंट, नवंबर वाली सारी पेमेंट इन दोनों में फिल हो जाएगी। दिसंबर की परचेजेस का 60% इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा तो पेमेंट आएगी, और सितंबर की परचेजेस का 60% इसमें ऐड करना पड़ेगा तो परचेजेस आएगी, पेमेंट आएगी, क्या कह रहा है? तो इसमें ऐड कर दो क्या सितंबर का, सितंबर की उसने शायद आपको परचेजेस दी हैं कितनी, 3200 इंटू 60% कितना आ गया? 1920। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं क्या दिसंबर की परचेजेस का 60%, दिसंबर की परचेजेस का 60%, और वो लेस करेंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। निकालें ज़रा, निकालें सर। टू सिक्स नहीं सर, इतना आसान काम आपको लग रहा है? दिसंबर की दो तरह की सेल है, हाई वैल्यू आइटम की भी दिसंबर की सेल है, किसकी? अदर्स की भी। क्या बात कर रहे हैं सर, दिसंबर की सेल में जाएं सर। अब आप ये जो हमने कैलकुलेशन परचेजेस की थी पूरे तीन क्वार्टर्स की, ये पूरे तीन क्वार्टर्स की है। अब ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ दिसंबर की करना पड़ेगी आपको, ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ दिसंबर की करना पड़ेगी आपको। दिसंबर की सेल 5800 डिवाइड बाय 30 इंटू 100
इंटू 10%, तो इसकी दिसंबर की सेल आ गई। फिर अदर की उसी तरह से 5800 इंटू 9 परचेज, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक माइनस नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक, जो ओपनिंग बनेगा दिसंबर का, तो उसके बाद आपके पास दिसंबर की परचेजेस आएगी। प्लीज़ निकाल दें मुझे, प्लीज़ ये निकाल दें। दिसंबर परचेजेस सर सेपरेटली क्यों कर रहे हैं? सर सेपरेट की सारी वर्किंग आपको दोबारा से करनी पड़नी है। क्या हो गया, क्या ख्याल है आपको? ये दो तरह की आइटम है दिसंबर की सेल में भी, क्या ख्याल है? पहले आपको हाई वैल्यू का निकालना पड़ेगा, मीन ये फिगर आप सिर्फ दिसंबर की निकालना चाह रहे हो, जो आपने तीन क्वार्टर की निकाली है, आप सिर्फ दिसंबर की निकालना चाह रहे हो आप, क्या ख्याल है? तो सेम एज इट इज़ वर्किंग दोबारा सिर्फ दिसंबर की करोगे। ये तीनों क्वार्टर की फिगर लिया है, वहाँ पे सिर्फ दिसंबर की लोगे, देखिएगा ज़रा। हाई वैल्यू आइटम्स कितनी है, दिसंबर की सेल कितनी है सर? 5800 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10%, क्या ख्याल है? इंटू 0.1 फिगर दीजिएगा, 446। ठीक हो गया। अब अदर्स देखिएगा सर, उनकी पहले कॉस्ट ऑफ सेल आप लोगे, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कितना है? 5800 डिवाइडेड बाय 1.3 क्या क्या है इंटू 0.9, वो कितनी फिगर बनती है? 4016। उसमें से आप ऐड करोगे क्या क्लोजिंग स्टॉक और लेस करोगे क्या ओपनिंग स्टॉक, क्या क्या है? 4015। क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जनवरी की सेल का 25%, जो शायद हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया, ये वाला 1038 यही आएगा ना, क्या ख्याल है? यही आएगा, ये क्या आ गया 1038। कैसे कैलकुलेट किया? जनवरी की सेल है हमारे पास 6000 डिवाइड बाय 1.3 इंटू हमने क्या किया 0.9 और इंटू 25% क्लोजिंग स्टॉक। दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा सर? नवंबर के दिसंबर नहीं नहीं नवंबर का क्लोजिंग इसका ओपनिंग, क्या ख्याल है? तो नवंबर का क्लोजिंग किसकी सेल का 25% है? दिसंबर की ही सेल का। तो 5800 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 0.9 इंटू 25%, ये फिगर बताएं। 1004 ये माइनस करें तो आप ज़रा मुझे फिगर बताएं, ये भी ऐड कीजिएगा। क्योंकि ये 90% है, वो 10% है, मीन दो तरह की आइटम्स है ना, एक 10% पे आती सेल होती है, मीन सेल उसकी 10% है और दूसरी की 90% है। तो हम सेल के थ्रू कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हम क्या करेंगे 90% में कन्वर्ट करेंगे ना, उसके लिए 10% वो हमने सेपरेट कर लिया, क्यों वहाँ पे है ही क्या, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू परचेजेस है, तो उसकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल निकालिए। जी फिगर बताएं। 4495 ये 4495 यहां से उठा के यहां पे पुट कर दें, अब ये फिगर बता दें मुझे कितनी? 2697। आप मुझे ये फिगर बता दें पेमेंट की, कम ऑन 1095।
सर दिखाएं क्या बात करना चाह रहे हैं आप। 446 और 4015 डायरेक्टली ले लेंगे। 446 और 4015 सर ये क्लोजिंग ऐड नहीं करना, ओपनिंग माइनस नहीं करना, सब में कर रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ तो सिर्फ वो ओपनिंग क्लोजिंग ले लेते जस्ट। नहीं सर पूरी आपको परचेजेस कैलकुलेट करना पड़ेंगे दिसंबर की, ऐसे नहीं चल सकता सर, कैसे चलाएंगे। दिसंबर की परचेज का 60% आपने पे करना है जनवरी में, क्या ख्याल है। टोटल परचेजेस आपकी ये हैं इस क्वार्टर की, अब इसमें से जो आपने नेक्स्ट में पे करना है वो माइनस करो और जो पिछला यहाँ पे रिसीव करना है वो ऐड करो, तो आपके पास क्या आ जाएंगी पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स कितनी 10 वर्किंग 2 से, ये फ्रॉम वर्किंग 1 कितना 10935। सर बस एक कैलकुलेशन और रहेगी उसके बाद कहानी हमारी ख़त्म हो गई, एक कैलकुलेशन हमारी और रहेगी उसके बाद हमारी कहानी ख़त्म हो गई है। सर क्या कैलकुलेशन रह गई है, क्या कैलकुलेशन रह गई है कोरियर ऑर्डर्स की देखिएगा ज़रा। सो हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर है और कोरियर के बारे में उसने बात की कि पेमेंट हम करते हैं 1 मंथ लेटर, पेमेंट हम करते हैं 1 मंथ लेटर, ऐसी बात है 1 मंथ लेटर। तो दिस मीन हमें सितंबर अक्टूबर नवंबर के ऑर्डर ले लेने चाहिए, हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर के हमें ऑर्डर ले लेने चाहिए जी सर, और उनकी हम जो है वो पेमेंट करते हैं कब 1 मंथ लेटर, ऐसी है 1 मंथ लेटर, 1 मंथ लेटर पेमेंट करते हैं हम। और ऑर्डर हमारे कुछ डिलीवर जो हैं वो 15 दिन बाद भी होते हैं, ऑर्डर हमारे कुछ डिलीवर 15 दिन बाद भी होते हैं। कौन से 15 दिन बाद डिस्पैच होते हैं, कौन से 15 दिन बाद डिस्पैच होते हैं, ये वाले 15 दिन बाद डिस्पैच होते हैं, क्या ख्याल है, ये वाले 15 दिन बाद डिस्पैच होते हैं। आज ज़रा देखिएगा कोरियर ऑर्डर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। वर्किंग नंबर 3 कोरियर, कोरियर के स्पेलिंग क्या है, कोरियर, ठीक हो गया, ओके। सो ऑर्डर देखिएगा जी, टोटल ऑर्डर्स हैं कितने सितंबर अक्टूबर नवंबर के, सितंबर अक्टूबर नवंबर के, सितंबर के ऑर्डर बताइएगा 400, अक्टूबर के 450 और 470, टोटल कितने बन गए 1320। सिंपली क्या होता इनटू 300 पर ऑर्डर कॉस्ट है, क्या ख्याल है, निकालते तुम्हारे पास कॉस्ट आ जाती, लेकिन नहीं, इसमें से हमें कुछ चीज़ें माइनस करना पड़ेगी। इसमें हमने एक मंथ बाद हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट हम ले रहे हैं, तो पेमेंट हमने इस क्वार्टर में सितंबर की होगी, अक्टूबर की होगी या नवंबर की होगी। दिसंबर की पेमेंट कब होनी है, जनवरी में। दिसंबर की पेमेंट कब होनी है, जनवरी में, ये बात समझ आती है। सर आए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, पॉइंट नंबर थ्री में आए ज़रा। ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज बैलेंस इज, सॉरी कहाँ पे सेकंड पैराग्राफ ऊपर जो मोड ऑफ पेमेंट थे उसके बिल्कुल नीचे देखिएगा, मोड ऑफ पेमेंट जो थे उनके बिल्कुल नीचे देखिएगा, सेकंड पैराग्राफ आपको बताएगा, क्या ख्याल है, सेकंड पैराग्राफ आपको बताएगा ना। कोरियर में हमने बात की कि कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो हम 15 दिन बाद डिस्पैच करते हैं, कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो हम 15 दिन बाद डिस्पैच करते हैं, 15 दिन बाद डिस्पैच करते हैं। तो क्या ये सारे के सारे इतने ऑर्डर की पेमेंट जो है वो हमने करनी है, हाँ क्या सारे के सारे ऑर्डर की हमने पेमेंट करनी है, स्टडी पॉइंट भी नहीं
सर हमें ये भी तो नहीं ना पता सितंबर में कितने काम का बोल जितने मंथ पे उस पे डिवाइड करेंगे सर नवंबर के जो आपकी 15 ऑर्डर हो नवंबर के या दिसंबर के दिसंबर के नवंबर के नवंबर के कुछ ऑर्डर की पेमेंट जनवरी में होगी दिसंबर वाले तो सारे होने ही जनवरी में ना दिसंबर वाले तो होने ही सारी जनवरी में हैं क्या कहलाए तो नवंबर के कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे जिनकी पेमेंट जो है वो जनवरी में होगी जनवरी में होगी सर देखो नवंबर के जितने ऑर्डर दिसंबर के जितने ऑर्डर हैं ना वो तो एक मंथ बाद पेमेंट करनी है क्या पेमेंट करनी है एक मंथ बाद नहीं जनवरी में ठीक हो गया अब हमारे कुछ ऑर्डर ऐसे हैं कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो हम 15 दिन बाद डिस्पैच करते हैं यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस मंथ में ऑर्डर रिसीव हुआ ये जो ऑर्डर दिए गए हैं इसका मतलब क्या है कि इस मंथ में कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ और नवंबर में कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जो रिसीव तो नवंबर में हुए लेकिन वो एग्जीक्यूट डिस्पैच कब होंगे 15 दिन बाद मीन दिसंबर में और पेमेंट उनकी कब होनी है जनवरी में क्यों कोरियर वाले ने जब हमें सर्विसेज देनी है तब उसने जब सर्विसेज उसने देनी है तब उसका रेवेन्यू बनेगा ना तब उसकी कॉस्ट बनेगी ना क्या कहला तो नवंबर का 25% 25% नहीं 10% अब ये मसला है कहाँ पे अदर ऑर्डर्स में या सिर्फ 10% हाई वैल्यू वाले में 10% हाई वैल्यू वाले में मसला है सिर्फ 10% हाई वैल्यू वाले में मसला है क्या कहला है दिस मीन नवंबर के कुछ ऑर्डर 10% हाई वैल्यू वाले कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो डिस्पैच होने हैं कब दिसंबर में और उनकी पेमेंट कब होनी है जनवरी में एक मंथ बाद क्या कहलाता है दिस मीन हमें वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो नंबर के ऐसे हैं जो दिसंबर में एग्जीक्यूट हुए हैं मीन डिस्पैच हुए हैं तो उनकी पेमेंट तो नहीं लेनी चाहिए तो वो ऑर्डर्स हमें माइनस करने चाहिए अब वो कितने दिन के बनेंगे ऑर्डर वो ऑर्डर बनेंगे 15 दिन के जुलाई और अगस्त की जो पेमेंट होगी हाँ तो वो सितंबर हम तो यहाँ पे ले कौन से रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर सितंबर के अब देखो सितंबर के हो सकते हैं कि आगे आके में मिलेंगे कब मिलेंगे सितंबर के 15 दिन के अक्टूबर में एग्जीक्यूट होंगे तो नवंबर में पेमेंट आ जाएगी वो तो हमने सितंबर पूरा ही ले लिया वो तो इसी में मिलेंगे देखिएगा ज़रा एक यहाँ पे एक बात मैं करने लगा यहाँ पे एक बात करने लगा देखिएगा ज़रा फर्स्ट नवंबर को ऑर्डर रिसीव हुआ ठीक हो गया ये आपने डिस्पैच कब किया होगा ये आपने डिस्पैच कब किया होगा 16 नवंबर को हाँ 16 नवंबर को डिस्पैच किया अब अगर इस डेट पे कोई ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो 1 दिसंबर को डिस्पैच होगा डिस्पैच कब हुआ 1 दिसंबर में तो उसकी पेमेंट कब होनी है जनवरी में दिस मीन ये वाले जो हमारे पास ऑर्डर हैं ये हमें निकालना पड़ेंगे क्यों इनकी पेमेंट कहाँ पे होनी है जनवरी में ठीक है हम ले रहे हैं पेमेंट किसकी सितंबर अक्टूबर नवंबर की देखिए नवंबर के ये जो एंड वाले आखिरी 15 दिन वाले ऑर्डर हैं ये कब डिलीवर होने हैं दिसंबर में डिस्पैच कब होने हैं दिसंबर में तो इनकी पेमेंट कब होनी है जनवरी में दिसंबर में तो नहीं होनी क्या ख्याल है तो हमें ये 15 दिन निकालना पड़ेंगे ये 15 दिन निकालना पड़ेंगे जुलाई और अगस्त की टाइमलाइन बना लें तो वो देखोगे तो ऑटोमेटिकली सितंबर अक्टूबर नवंबर तक वो पेमेंट आ चुकी होगी बना के देख लेना आ चुकी होगी जुलाई के आखिरी 15 दिन वाले कब आ जाएंगे सितंबर में पैसे आ जाएंगे क्या ख्याल है अगस्त के आखिरी 15 दिन वाले कब आ जाएंगे नवंबर में पैसे आ जाएंगे
नवंबर में आ जाएंगे, नवंबर में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? देखो ना, ये देखो आपने क्या बात की, इधर अगस्त के आखिरी 15 दिन वाले एग्जीक्यूट हुए सितंबर में, पेमेंट कब आ जाएगी? अक्टूबर में। वो तुम्हारी इधर आ रहा है, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर, हमने लिए हैं कौन से, अक्टूबर नवंबर और नहीं सितंबर अक्टूबर और नवंबर, जिसकी हमने पेमेंट करनी है कब, जिसकी हमने पेमेंट करनी है कब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। जो हम पेमेंट ले रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो हमने पेमेंट करनी है कौन सी करनी है, सितंबर वाली अक्टूबर में, अक्टूबर वाली नवंबर में और नवंबर वाली दिसंबर में हम पेमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। ये पेमेंट हमने दिसंबर में करनी है, ये पेमेंट हमने नवंबर में करनी है और ये पेमेंट हमने अक्टूबर में करनी है। तो इसलिए हमने ऑर्डर कौन से लिए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर के, जिसके ऊपर 300 पर ऑर्डर अप्लाई करें तुम्हारी क्या आ जानी चाहिए, कॉस्ट आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं ऑर्डर निकाल लिए 1320 ऑर्डर बन गए, जिसकी हमें अफेक्टिवली पेमेंट करनी चाहिए कहाँ पे, इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर में मीन सितंबर वाले की पेमेंट यहाँ पे, अक्टूबर वाले की यहाँ पे, नवंबर वाले की यहाँ पे। ये बात समझ आती है कि ऑर्डर हमने कौन से लिए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर के, जिसकी पेमेंट होनी है कहाँ पे, हमारे क्वार्टर में। क्यों हम कैश बेस्ड बना रहे हैं, तो हमने पेमेंट लेनी है जो हमारे क्वार्टर में पेमेंट होगी, चाहे कोई पिछली चाहे कोई यहाँ की। ठीक हो गया, सिंपली इस पे 300 पर ऑर्डर अप्लाई कर दें, कॉस्ट आ जानी चाहिए। लेकिन एक पंगा है, ये जो हाई वैल्यू आइटम्स थी, जो टोटल कितना बना था, 10% बना था, ये कितना बना था टोटल सेल का, 10%। इनके साथ मसला है कि इनका जब ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑर्डर डिस्पैच होता है 15 दिन बाद। दिस मीन ये जो ऑर्डर 16 नवंबर को हमें रिसीव हुआ होगा, 17, 18, 19, 30 नवंबर तक जो रिसीव हुए होंगे, ये एग्जीक्यूट कब हुए होंगे, दिसंबर में। तो इनकी पेमेंट कब होनी है, जनवरी में। तो ये ऑर्डर हमें निकालना पड़ेंगे, ये जो टोटल ऑर्डर है हमारे पास, इसमें से ये ऑर्डर हमें निकालना पड़ेंगे। ये बात समझ आती है, क्या ख्याल है? नवंबर के ऑर्डर हैं कितने, 470। नवंबर के ऑर्डर हैं कितने, 470। तो इसमें से हम लेस करने जा रहे हैं नवंबर के ऑर्डर 470। ये टोटल वाले हैं, हम 10% वालों का निकालने जा रहे हैं, तो इनटू 10% इनटू हम क्या करेंगे, 15/30 कितने बने, 23.5 24 ले लो, ये माइनस करो तो आपके पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1296। अब आपकी 300 कॉस्ट पर ऑर्डर है, क्या कहला है, वो कितनी है, 300 मल्टीप्लाई करो कितना, 3888 1000 में कन्वर्ट करें, कितना बन गया, 389। सो 389 सर हमारा यहाँ से ये माइनस होगा वर्किंग 3। आप ज़रा देखिएगा नेट कैश फ्लोज कितना बना आपका, दिस माइनस दिस माइनस दिस शायद नेगेटिव बनना चाहिए, 69 कितना बन रहा है, 14813 माइनस 10935 माइनस 10000 6511 नेगेटिव। इसमें से ये माइनस करो तो क्या बन गया, 101 नेगेटिव जी। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। 1011 नहीं बन रहा है, दोबारा चेक कर लो ज़रा, नेट कैश लो अपनी चेक कर लो, 14813 माइनस 1093 माइनस 10000 माइनस 389 1093 है ना, ये 10000 है, 10935 माइनस 10000 माइनस 389 ये क्या 6511 बन रहा है,
यही आ रहा है, क्या ख्याल है? और ये 5500 था, चले 389 फिगर इन थाउजेंड। सर यही सीन अगस्त में भी तो बन रहा होगा। अगस्त में बन रहा होगा, मैं बताता हूँ, अगस्त के आखिरी 15 दिन एग्जीक्यूट हुए कब? सितंबर में। पेमेंट कब मिल गई? अक्टूबर में। तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए, अक्टूबर लिए हुए हमने पूरे। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? पेमेंट ले रहे हैं, हमने निकाली है कोरियर की हमने कितनी पेमेंट करनी है, ठीक हो गया। पेमेंट करने से पहले हमने देखे हैं जी ऑर्डर हैं कितने जिनकी पेमेंट करनी है हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो हमने पेमेंट करनी है सितंबर वाले सारे ऑर्डर की, अक्टूबर वाले सारे ऑर्डर की और नवंबर वाले सारे ऑर्डर की, क्या कहला है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हम पहले ऑर्डर देख रहे हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है, हम ऑर्डर देख रहे हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है, ठीक हो गया, इस क्वार्टर के अंदर, ठीक हो गया। तो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो ऑर्डर ले रहे हैं जिसकी हमने इस क्वार्टर में पेमेंट करनी है, ठीक हो गया। सो ऑर्डर हमारे पास टोटल आ गए 1320। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास जो नवंबर के आखिरी 15 दिन वाले ऑर्डर हैं, नवंबर के आखिरी 15 दिन वाले ऑर्डर हैं, इनको हमने क्या करना है? पे करना है कब? जनवरी में। क्यों? ये दिसंबर में ऑर्डर डिस्पैच होगा, तो आपने डिस्पैच पे कोरियर को पे करना है ना, लेकिन डिस्पैच डेट से 30 दिन बाद। तो हमने क्या किया जी, 15 दिन के वो ऑर्डर 24 निकाल दिए। अब आप कहते हो कि जो अगस्त वाले होंगे, अगस्त वाले जो होंगे वो ऐड होने चाहिए एक पेमेंट के अंदर, क्यों? उनकी पेमेंट हमने यहाँ पे की है, लेकिन उसका मेरा ख्याल से हमारे पास तो डेटा ही भी नहीं है, उसका डेटा भी नहीं है। अगर डेटा होता तो हाँ वो भी ऐड करते, अगस्त के 15 दिन वाले जो ऑर्डर हैं वो हम इसी तरह से निकाल के वो ऐड भी करते, लेकिन उसका डेटा नहीं है। इसलिए जितनी पेमेंट हम इधर कर सकते हैं उतनी करेंगे हम। सपोज हमने स्टार्ट ही सितंबर से किया, यूँ समझो कि हमने स्टार्ट ही बिज़नेस कब किया है? सितंबर से किया, उससे पहले बिज़नेस ही नहीं था, ठीक हो गया। सी, एक अच्छा क्वेश्चन है, जाके दोबारा इसे अटेम्प्ट करना है, जहाँ पे मसला हो ऑनलाइन लेक्चर आपके पास है वहाँ से दोबारा से रिवाइंड करके उतना पार्ट सुनना है, ठीक हो गया। देखने में बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन चार ही कैलकुलेशन थी सिर्फ कैलकुलेशन सिर्फ चार थी, एक रिसीट, एक क्रेडिटर्स और एक कोरियर, क्या कह रहा है? लेकिन अच्छा खासा दिमाग की दही बनाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टैट के साथ, स्टैटिस्टिक्स।